हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग इंटरस्टेलर। इंटरस्टेलर मूवी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मूवी है जिसमें साइंस की थ्योरीज को दिखाया गया है। इस मूवी में स्पीड ऑफ टाइम, वार्म होल, ब्लैक होल, बाइनरी कोड, ग्रेविटी, इन सब चीजों को समझाया गया है। इस मूवी में मेन कैरेक्टर है कूपर, जिसके चारों तरफ इस पूरी मूवी का प्लॉट घूमता है। कूपर नासा में एक पायलट था, पर अब वो नासा में काम नहीं करता बल्कि मक्के की खेती करता है। और इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि दुनिया को अब वैज्ञानिकों की नहीं बल्कि किसानों की जरूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया अब भूख से जूझ रही है। धरती पर 7 साल पहले गेहूं उगना बंद हो गया और 1 साल पहले ओकरा और बाकी की चीजों की पैदावार भी खत्म हो चुकी है। कूपर के 2 बच्चे हैं, मर्फ जो पढ़ाई में बहुत होशियार है और उसका साइंस में बहुत रुझान है, और बेटा टॉम जो पढ़ाई में एवरेज है। अब मर्फ जिस कमरे में सोती है वहां पर एक बुक सेल्फ है और बार बार उस बुक सेल्फ से किताबें अपना भी नीचे गिर जाती है। मर्फ अपने पिता को कई बार बोल चुकी है कि उसके कमरे में भूत है, और मर्फ ये भी बोलते हैं कि मुझे लगता है कि वो भूत आप हैं। पर कूपर इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। कूपर बोलता है कि ये सब नॉन साइंटिफिक बातें हैं। मर्फ बोलती है कि आप ही ने बताया कि विज्ञान का मतलब उन चीजों को एक्सेप्ट करना होता है जिन्हें हम समझ नहीं पाते। कूपर बोलता है ठीक है, अगर तुम घोस्ट और साइंस के बीच में कनेक्शन जोड़ना चाहती हो तो उससे डरने के बजाय जो कुछ भी तुम्हारे कमरे में होता है उसे ऑब्जर्व करो और उसकी सच्चाई का पता लगाओ। एक बार सब बेसबॉल का मैच देख रहे होते हैं तभी सायरन बजता है, और ये सायरन होता है तूफान आने का। धरती पर अब धूल भरे तूफान आना आम बात हो चुकी है, और ये धूल भरा तूफान कभी भी आ जाता है। तूफान आने से मैच बंद हो जाता है और सब मास्क लगाकर अपने अपने घर चले जाते हैं। अब जब कूपर अपने घर पहुंचता है तो पूरा घर धूल से भरा हुआ होता है, और मर्फ के कमरे में फर्श पर धूल से कुछ लाइंस बनी होती हैं। मर्फ बोलती है देखा, मैंने कहा था ना कोई घोस्ट हमसे बात करना चाहता है। कूपर उन लाइंस को बड़े ध्यान से देखता है और वो मर्फ को बोलता है कि आज तुम अपने भाई टॉम के कमरे में सो जाओ। और कूपर वहीं रहकर ये समझने की कोशिश करता है कि यहाँ हो क्या रहा है। कूपर पूरी रात उस कमरे में ये समझने की कोशिश करता है कि लाइंस कैसे बनी और बुक्स अपने आप गिर कैसे जाती हैं। अब सुबह होती है और मर्फ वहां पर आती है, और वो देखती है कि उसके पिता अब भी वहीं बैठकर उन धूल की लाइनों को देख रहे हैं। कूपर मर्फ को बताता है कि किताबें घोस्ट की वजह से नहीं ग्रेविटी की वजह से गिरती हैं, और वो एक सिक्का उछालता है जो मिट्टी से बनी लाइन के ऊपर जाकर गिरता है, लाइन के बीच में नहीं। कूपर बताता है ये एक मैसेज है जो बाइनरी कोड के रूप में भेजा गया है। बाइनरी कोड एक भाषा है जो कंप्यूटर और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कोडिंग लैंग्वेज होती है, जिसमें 1 और 0 का इस्तेमाल होता है। जैसे हम किसी को मैसेज लिखने के लिए अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं या हिसाब के लिए नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह बाइनरी कोड्स भी एक शैली है जिससे हम मैसेजेस भेज सकते हैं। अगर आप किसी को बताना चाहते हैं कि मैं मार्केट में हूं, तो आप नॉर्मली मैसेज टाइप करेंगे मैं मार्केट में हूं। पर बाइनरी कोड में आप यही पूरा मैसेज सिर्फ 1 और 0 डिजिट के नंबरों के कॉम्बिनेशन से भेज सकते हैं। कूपर समझ जाता है कि धूल से बनी मोटी लाइन का मतलब 1 और पतली लाइन का मतलब 0 है। अब कूपर इस मैसेज को डिकोड करता है, और मैसेज को डिकोड करने के बाद उसे एक लोकेशन का पता चलता है, और वो और मर्फ उस जगह पर पहुंच जाते हैं। अब जब कूपर अंदर जाने की कोशिश करता है तो उसे वहां की सिक्योरिटी पकड़ लेती है, और अगले सीन में दिखाते हैं कि कूपर से एक रोबोट कुछ पूछताछ कर रहा होता है। तभी वहां पर एक लड़की आती है, ये एक साइंटिस्ट है और इसका नाम एमिली है। वो कूपर को अपने साथ एक रूम में ले जाती है, वहां पर कुछ लोग बैठे होते हैं और कूपर की बेटी मर्फ भी वहीं पर होती है। एमिली के पिता प्रोफेसर ब्रेन भी वहीं पर होते हैं। कूपर नासा में काम कर चुका होता है तो प्रोफेसर ब्रेन को पहले से जानता है। अब वो सब लोग ये जानना चाहते हैं कि कूपर को इस जगह के बारे में पता कैसे चला, क्योंकि बहुत ही खुफिया जगह होती है और इस जगह के बारे में किसी को कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। कूपर बोलता है कि जिस तरह से मुझे इस जगह के बारे में पता चला ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, पर कुछ साइंटिफिक भी नहीं लगता। तभी मर्फ बोलती है ग्रेविटी की वजह से हमें यहाँ के बारे में पता चला। वहां पर बैठा एक आदमी पूछता है कि हमें साफ साफ बताओ कि तुम यहाँ तक पहुंचे कैसे। कूपर को अभी तक कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर हो क्या रहा है, उसके दिल में डर भी होता है। वो बोलता है पहले आपको वादा करना होगा कि मुझे और मेरी बेटी को आप लोग यहाँ से आराम से जाने दोगे। अब प्रोफेसर ब्रेंड हंसते और बोलते कि क्या तुम्हें हमारे काम के बारे में नहीं पता। हालांकि कूपर और प्रोफेसर ब्रेंड नासा में 7 काम कर चुके हैं, पर कूपर के मुताबिक नासा ऑर्गेनाइजेशन और इस दुनिया में जितनी भी साइंस के प्रोजेक्ट थे वो सब आज से 10 साल पहले पूरी दुनिया में बंद हो चुके हैं। प्रोफेसर ब्रेंड बोलते हैं कि नासा ऑर्गेनाइजेशन आज भी चलती है, पर दुनिया के लिए ये खत्म हो चुकी है, क्योंकि पूरी दुनिया भूख से परेशान है, और अगर लोगों को पता चलेगा कि नासा अब भी अपने स्पेस प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है तो लोग इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये सभी प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा खर्चे वाले होते हैं। प्रोफेसर ब्रेंड कूपर को बताते हैं कि पृथ्वी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है, हम बहुत सारी फसल को पहले खो चुके हैं और बची कुची जो भी फसलें हैं वो कुछ सालों में खत्म हो जाएगी, और धरती के वातावरण में बदलाव आएगा और धरती से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। कूपर बोलता है धरती को बचाने का कोई तो रास्ता होगा, कोई तो तरकीब होगी। प्रोफेसर ब्रेंड बोलते हैं
ऊपर हमें धरती को बचाना नहीं है बल्कि अब इसे छोड़कर जाना होगा। प्रोफेसर ब्रेंट कूपर को बताते कि अंतरिक्ष में एक एंड्योरेंस नाम का नासा का स्पेसशिप है और हमारे पास अभी भी कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं जिससे हम वहां तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद वो कूपर को ये बताते कि सैटर्न ग्रह के नजदीक आज से लगभग 48 साल पहले अपने आप एक वार्म होल खुल गया था जिसके थ्रू हम दूसरी गैलेक्सी में कम से कम समय में जा सकते हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है जिसमें करोड़ों खरबों तारे और असंख्य ग्रह हैं। इसी तरह ब्रह्मांड में असंख्य गैलेक्सीज हैं पर इंसान को वहां तक पहुंचने में लाखों वर्ष लग जाएंगे। अब ये समझ ले कि वार्म होल होता क्या है। वार्म होल की थ्योरी एल्बर्ट आइंस्टाइन की है। जैसे एक पहाड़ है, अगर आपको पहाड़ के दूसरी तरफ जाना है तो आपको उस पहाड़ को पार करने में कई घंटे लग जाएंगे, पर अगर उसी पहाड़ में एक सुरंग हो तो आप कुछ ही मिनटों में उस पार पहुंच सकते हैं। बस एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक स्पेस में वार्म होल भी इसी तरह है जो एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जाने का शॉर्टकट है। और ऐसा भी कहा जाता है कि वार्म होल के थ्रू टाइम ट्रेवल भी किया जा सकता है। प्रोफेसर ब्रेंट कहते हैं कि कोई एडवांस सभ्यता इंसान की मदद करने की कोशिश कर रही है। वो कूपर को बताते कि हम पहले 13 एस्ट्रोनॉट्स को वार्म होल के थ्रू दूसरी गैलेक्सीज में भेज चुके हैं और उन्हें वहां ऐसे ग्रहों को ढूंढना है जो इंसान के रहने के लिए पर्याप्त हो और ज्यादा दूर ना हो, और उन सब के पास एक रोबोट है, और जब उन्हें कोई ऐसा ग्रह मिल जाएगा जहां इंसान रह सकता है तो वो उस रोबोट को ऑन कर देंगे और फिर हमें यहां उसका सिग्नल मिल जाएगा। अब जो 13 एस्ट्रोनॉट्स गए थे उनमें से उन्हें 3 का सिग्नल मिल चुका है, यानी 3 अलग अलग ग्रहों का, पर उन ग्रहों पर डायरेक्ट बात नहीं की जा सकती, तो सिर्फ उनके पास उन तीनों ग्रहों के सिग्नल्स हैं, और इसलिए अब एक टीम बनाई जा रही है और उन तीनों ग्रहों पर, उन तीनों प्लैनेट्स पर उन्हें भेजा जा रहा है। और अगर तीनों में से कोई सा भी ऐसा ग्रह है जहां पर इंसान आराम से रह सकता है तो उसके बाद प्रोफेसर ब्रेंट के पास 2 प्लान है। प्लान नंबर 1, प्रोफेसर ब्रेंट ग्रेविटी को समझने और उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर उन्हें कामयाबी मिल जाती है तो एक स्पेस स्टेशन के जरिए संपूर्ण मानव जाति को उस ग्रह पर भेज देंगे जो रहने लायक है। और इसके लिए उन्होंने एक स्पेस स्टेशन बनाया भी हुआ है, और वो स्पेस स्टेशन वही है जहां पर कूपर और प्रोफेसर ब्रेंट खड़े हैं। दरअसल ये कोई बिल्डिंग नहीं है बल्कि आप इसे एक अंतरिक्ष यान कह सकते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतना बड़ा अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में जाएगा कैसे। इसके लिए वो ग्रेविटी को कंट्रोल करने के फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। अगर पृथ्वी पर कुछ देर के लिए ग्रेविटी को ऑफ कर दिया जाए तो इस विशाल यान को अंतरिक्ष तक आराम से भेजा जा सकता है, क्योंकि ग्रेविटी के बिना ये स्पेस स्टेशन अपने आप ही हवा में तैरने लगेगा और उसके बाद इसे बस दिशा दिखाने की जरूरत होगी, और इस तरह से पृथ्वी के लोगों को बचाया जा सकता है। तो ये है प्लान नंबर 1। प्लान नंबर 2, अगर प्लान 1 पूरा नहीं हो पाता और ऐसा प्लेनेट ढूंढने में काफी वक्त लग जाता है जहां पर इंसान रह सकते हैं, तो इंसान अपने साथ 5000 मानव भ्रूण ले जाएगा। भ्रूण मतलब इंसान के डीएनए, और इन भ्रूण के जरिए नए लोगों को पैदा किया जा सकता है और इंसान की प्रजाति को बचाया जा सकता है। पर यह तय है कि धरती की लाइफ अब ज्यादा नहीं है और आने वाले समय में यहां पर सारे लोग मर जाएंगे। अब प्रोफेसर ब्रेंट कूपर को बोलते कि तुम भी इस मिशन में शामिल हो जाओ क्योंकि हमें एक पायलट की जरूरत है और तुम एक पायलट हो। कूपर इस चीज के लिए मान जाता है क्योंकि ये दुनिया को बचाने की बात है, लेकिन इस बात से उसकी बेटी मव बहुत नाराज है। वो नहीं चाहती कि उसके पिता किसी ऐसे मिशन पर जाए जहां पर जान का खतरा हो और जहां से आने का कुछ पता ही ना हो। मिशन पर जाने से पहले कूपर मर्फ के रूम में आता है और उसे बोलता है कि मैं जा रहा हूँ। मर्फ उससे बहुत नाराज होती है और वो बोलती है कि मेरे रूम में जो कुछ भी हो रहा था उसका मैसेज मैंने डिकोड कर लिया है और उसका मतलब है स्टे, यानी कि मत जाओ। लेकिन कूपर उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और जाने से पहले उसे घड़ी देके जाता है और बोलता है कि इसकी दूसरी जोड़ी मेरे पास रहेगी, लेकिन ये दोनों घड़ियां हम दोनों के लिए अलग अलग तरह से काम करेगी। और कूपर ये बात इसलिए बोलता है क्योंकि अंतरिक्ष में जहां वो जा रहे हैं वहां पे वक्त की रफ्तार उन्हें पता है कि कम होगी और पृथ्वी पर वक्त की रफ्तार ज्यादा है। कूपर बोलता है कि शायद जब मैं वापस लौटूं तो तुम मेरी उम्र की हो जाओ और मेरी उम्र लगभग इतनी रहे जितनी की अभी है। अब कूपर और उसकी पूरी टीम वार्म होल से होते हुए दूसरी गैलेक्सी में पहुंच जाती है और वो उस ब्लैक होल के पास पहुंच जाते हैं जहां पर वो तीनों ग्रह हैं। और इस ब्लैक होल का नाम होता है गार्गेंडुआ, और जो 3 ग्रह हैं जहां से उन्हें सिग्नल मिल रहे हैं वो इस ब्लैक होल का चक्कर उसी तरह लगाते हैं जिस तरह से पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। अब उनके स्पेसशिप के सबसे नजदीक जो प्लेनेट है उसका नाम है मिलर्स प्लेनेट। तो उनकी टीम डिसाइड करती है कि सबसे पहले हम इसी प्लेनेट पे जाएंगे, लेकिन ये वाला प्लेनेट ब्लैक होल से भी सबसे नजदीक होता है, तो यहां पर बिताया हुआ 1 घंटा पृथ्वी के 7 साल के बराबर होगा। अब मैं आपको ब्लैक होल के बारे में बता दूं। ब्लैक होल ब्रह्मांड में होते हैं और इनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि अगर इनकी रेंज में कुछ भी आ जाए तो ये उसको अपने अंदर समा लेते हैं। सपोज सूरज भी अगर इनकी रेंज में आ गया तो ये उसको भी निगल जाएंगे।
और यहाँ पे ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इनके जितनी नजदीक आप जाओगे वहां पर समय की रफ्तार बहुत कम हो जाएगी। और एक यही कारण होता है कि उस प्लेनेट पे बिताया हुआ एक घंटा पृथ्वी के 7 साल के बराबर होगा। अब ये मिलर के प्लेनेट पे जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन उनका एक साथी रोमली बोलता है कि मैं यहीं पे रुकूंगा और ब्लैक होल को ऑब्जर्व करूंगा और उसकी इक्वेशन को समझने की कोशिश करूंगा। बाकी के 3 लोग मिलर के प्लेनेट पे पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि उस पूरे प्लेनेट में 5 से 6 फुट का पानी होता है और कुछ भी नहीं होता, यहां पे जिंदगी संभव है ही नहीं। और मिलर जिसने उस प्लेनेट पे लैंड किया था वहां पर उसके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का सिर्फ मलबा होता है। अब एमिलिया उस तरफ जाने लगती है जहां से उसको सिग्नल मिल रहे थे। तभी कूपर पूछता है कि तुम कहां जा रही हो, वो बोलते कि पहाड़ों की तरफ, और वो उस तरफ जाने लगती है। लेकिन कूपर जब ध्यान से देखता है तो पहाड़ नहीं बल्कि वो लहरें होती है जो बादल को छू रही होती है। और इस प्लेनेट पे इतनी ऊंची लहरें इसलिए आती है क्योंकि यहां पर ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा है और इसीलिए पानी को इतना ऊपर उठा देती है। अब वो एमिलिया को बताता है कि वो पानी की लहरें जल्दी वापस आओ, लेकिन तब तक एमिलिया वहां पे फंस जाती है। लेकिन रोबोट जो होता है वो उसे बचा लेता है और वो उसे अंदर ले आता है। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट में उनके एक साथी की मौत हो जाती है क्योंकि वो भारी छूट जाता है और उनके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के इंजन में पानी भर जाता है और वो स्टार्ट नहीं होता। और वो तभी स्टार्ट होगा जब इंजन से पानी निकलेगा। और उन्हें उस प्लेनेट से निकलने में 3 घंटे से ज्यादा हो जाते हैं। और जब वो अपने मेन स्पेसशिप में आते हैं जो अंतरिक्ष में होता है जिसका नाम है एंड्योरेंस, तो वहां पर आने के बाद वो देखते हैं कि जो उनके एक साथी वहां पे रह गया था वो लगभग बूढ़ा हो चुका है। वो बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि अब तुम वापस आओगे। कूपर बोलता है कि हमें कितने साल हो गए, वो बोलता है कि 23 साल 4 महीने और 8 दिन। इसके बाद वो बताता है कि आप लोगों के घर से मैसेज आए, उन्हें देख लो। और जब कूपर जाता है तो वहां पर उसके लिए कई सारे वीडियो मैसेजेस होते हैं। एक मैसेज में उसका बेटा बताता है कि अब दादाजी यानी कि कूपर के पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। वो उसे ये भी बताता है कि मेरी शादी हो गई है और अब मेरे बच्चे भी हैं। कूपर हालांकि उसी उम्र का है लेकिन अब वो दादा बन चुका है। पर इतने साल बीत जाने के बाद मर्फ ने अपने पिता के लिए सिर्फ एक ही मैसेज रिकॉर्ड किया है क्योंकि उनसे नाराज थी। और वो उस मैसेज को उस दिन रिकॉर्ड करती है जिस दिन उसका जन्मदिन होता है, क्योंकि कूपर ने उसे कहा था कि शायद मैं तब वापस लौटू जब तुम मेरी उम्र की हो जाओ। और आज मर्फ उस उम्र की हो चुकी है जिस उम्र में कूपर पृथ्वी से निकला था, और इसीलिए मर्फ इस मैसेज को अपने पिता के लिए रिकॉर्ड करती है। यहाँ पर यह भी पता चलता है कि मर्फ अब साइंटिस्ट बन चुकी है और वो प्रोफेसर ब्रांड के साथ नासा में काम करती है। इसके बाद ऊपर ये दिखाते कि अब ये तीनों जो बचे हुए ये डिसाइड कर रहे कि अब बचे हुए 2 प्लैनेट्स में से किस प्लैनेट में जाना चाहिए। कूपर और रोमली बोलते हैं कि हमें मैन के प्लैनेट में जाना चाहिए क्योंकि वो प्लैनेट उनके स्पेसशिप से पास में है। लेकिन एमिलिया बोलते हैं कि हमें एडमंड के प्लैनेट में जाना चाहिए क्योंकि उस प्लेनेट से जो डेटा आया वो ज्यादा प्रॉमिसिंग है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो चाहते हैं कि उस प्लेनेट पे जाए। और इसकी एक वजह ये भी होती है कि वो एडमंड से प्यार करती है। यहां पर अब एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि इनके पास अब इतना फ्यूल नहीं बचा कि ये दोनों प्लेनेट्स पर विजिट कर सके, इसीलिए अब ये डिसाइड होता है कि ये लोग मैन के प्लेनेट पे जाएंगे। ये लोग मैन के प्लेनेट पे पहुंच जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि मैन स्लीपिंग चैम्बर में सोया हुआ होता है। वो अब जिस एस्ट्रोनॉट को वो स्लीपिंग चैम्बर से उठाते हैं उसका नाम मैन होता है, और वो बोलता है कि यहाँ पर इंसान रह सकते हैं। वो बताता है कि जिस जगह पर अभी हम हैं यहाँ पर अमोनिया की मात्रा बहुत ज्यादा है, पर ऊंचाई पर वातावरण बिल्कुल नॉर्मल है और वहां पर इंसान की बस्ती बसाई जा सकती है। मैन ने इस प्लेनेट पर पहुंचने के बाद अपने रोबोट को बंद कर दिया होता है जो कि ऑन होना चाहिए। मैन बोलता है कि ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा था इसलिए मैंने इसे ऑफ कर दिया, और इस रोबोट का काम था कि सही इन्फॉर्मेशन धरती तक पहुंचाना। वहीं दूसरी ओर ये दिखाते हैं कि पृथ्वी पर प्रोफेसर ब्रांड अब अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं, और वो मरने से पहले मर्फ को बताते हैं कि ग्रेविटी की इक्वेशन कभी पूरी नहीं हो सकती। उसे पूरा करने के लिए उन्हें ब्लैक होल के पूरे डेटा की जरूरत होती जो ना तो उनके पास थी और ना उन्हें कहीं से मिलने की उम्मीद थी। वो मर्फ को बोलते हैं कि प्लान नंबर 1 सिर्फ दिखावा था, असल में इस प्रोजेक्ट के जरिए सिर्फ प्लान नंबर 2 को पूरा करना था ताकि इंसान ऐसे प्लेनेट पर पहुंच सके जहां जीवन हो और वहां जाकर वो जो अपने साथ मानव के भ्रूण ले गए जिससे नए इंसानों को पैदा किया जा सकता है, उससे नए इंसान पैदा करें और मानव जाति को बचा सके। मतलब आने वाले समय में पृथ्वी पर सारे लोग मर जाएंगे क्योंकि प्लान नंबर 1 तो पूरा हो ही नहीं सकता। अब मर्व प्रोफेसर ब्रांड की बेटी को वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेजती है और बोलती है कि प्रोफेसर ब्रांड अब इस दुनिया में नहीं रहे, और वो उन्हें वो सारी बातें बताती है जो प्रोफेसर ब्रांड ने मरने से पहले मर्व को बताई होती है। वो बोलते क्या इस धोखे के बारे में मेरे पिता को पता था, वो ये पूछते कि क्या आपको पता था, और इस मैसेज को कूपर भी देख लेता है पर इस बारे में प्रोफेसर ब्रांड की बेटी एमिली को कुछ भी पता नहीं होता। अब कूपर ये डिसाइड करता है कि वो इस ग्रह से सीधा पृथ्वी पर लौट जाएगा और अपने बच्चों से मिलेगा। तभी उनका एक साथी कूपर को बोलता है कि जब तुम पृथ्वी पर लौटोगे तो ब्लैक होल का चक्कर लगाते हुए जाना और टार्स जो कि एक रोबोट है उसे ब्लैक होल में छोड़ देना,
ताकि वो सारा डेटा कलेक्ट करके पृथ्वी पर भेज दे, जिससे प्रोफेसर ब्रैंड की ग्रेविटी के अधूरे काम को पूरा किया जा सके और पृथ्वी के लोगों को बचाया जा सके। अब इस प्लेनेट पे कूपर को ये पता लगता है कि मैन जो कि इस प्लेनेट पर था उसने सबको धोखा दिया है और इस प्लेनेट के किसी भी हिस्से में इंसान नहीं रह सकता। मैन गलत डेटा भेजता है और अपने रोबोट को ऑफ कर देता है ताकि उसका रोबोट सही डेटा ना भेज दे, और अगर सही डेटा पृथ्वी पर चला गया तो यहाँ कोई नहीं आएगा और वो यहाँ से कभी नहीं निकल पाए। यही कारण होता है कि मैन गलत डेटा भेजता है। मैन कूपर को मारने की कोशिश भी करता है। दरअसल उसका प्लान होता है कि वो इन सबको मार दे और अकेला पृथ्वी पर जाए ताकि वहां जाकर वो कोई भी झूठी कहानी बना दे और उसे झूठा साबित करने के लिए वहां पर कोई ना हो। पर प्रोफेसर ब्रैंड की बेटी एमिली कूपर को बचा लेती है, लेकिन वो उनके एक साथी को मार देता है। अब मैन अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में एंड्योरेंस की ओर जाता है, जो कि उनका स्पेसशिप है और वो अंतरिक्ष में है, ताकि वो उससे पृथ्वी पर जा सके। पर जब वो अपना फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उससे कनेक्ट करने की कोशिश करता है तो एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में उसकी मृत्यु हो जाती है। पर इस ब्लास्ट से एंड्योरेंस स्पेसशिप को काफी नुकसान पहुंचता है। वहीं कूपर भी अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में एंड्योरेंस की ओर आ रहा होता है। अब एंड्योरेंस स्पेसशिप स्टेबल नहीं होता, पर कूपर अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को एंड्योरेंस से कनेक्ट कर लेता है और वो स्टेबल हो जाता है। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद एंड्योरेंस ब्लैक होल की तरफ खिंच रहा होता है, पर कूपर बोलता है कि मैं इस ग्रेविटेशनल पुल का इस्तेमाल एक धक्के की तरह करूंगा और एंड्योरेंस को आखिरी बचे तीसरे प्लेनेट की तरफ धकेल दूंगा। इसे साइंस की भाषा में स्लिंगशॉट कहते हैं, जिससे किसी भी यान को ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से स्पीड देते हैं। आपको बता दूं कि जब मानव पृथ्वी से किसी भी दूसरे प्लेनेट पर जाते हैं तो वो स्लिंगशॉट का इस्तेमाल करके ही जाते हैं। अब स्लिंगशॉट से वो अपने मेन शिप को उस तीसरे ग्रह की तरफ धकेल देते हैं और अपने रोबोट को ब्लैक होल में प्रवेश करवा देते ताकि वो ब्लैक होल का पूरा डेटा भेज दे और प्लान नंबर 1 को कामयाब करके पृथ्वी के लोगों को बचा लें। पर रोबोट के ब्लैक होल के अंदर जाते ही उससे संपर्क टूट जाता है। इसके बाद कूपर अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को भी मेन शिप, जिसका नाम एंड्योरेंस है, उससे अलग कर देते हैं ताकि उसका भार कम हो जाए। और अब एंड्योरेंस में अकेली एमली बची है, जो बचे हुए आखिरी यानी कि तीसरे प्लेनेट की ओर जा रही है। कूपर ऐसा इसलिए करता है ताकि प्लान नंबर 2 को पूरा किया जा सके और मानव के अस्तित्व को बचाया जा सके। यहीं अब कूपर का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ब्लैक होल की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा होता है। उसका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उसे मैसेज देता है कि फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से डिटैच हो जाएं, और कूपर उससे बाहर निकल जाता है और उसके तुरंत बाद उसका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बहुत तेज से ब्लास्ट होता है। अब यहाँ पर आप ब्लैक होल्स को भी समझ लें। ब्लैक होल्स ब्रह्मांड में ऐसे होल्स होते हैं जिसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो पूरे के पूरे प्लैनेट्स को निगल जाएं। और जैसे जैसे आप उसके अंदर जाते रहोगे वैसे वैसे उसकी चौड़ाई कम होती जाएगी और एक पॉइंट पर आकर वो खत्म हो जाएगा। पर जैसे ही कूपर बाहर निकलता है वो ब्लैक होल के अंदर ना जाकर एक टेसरेक्ट में पहुंच जाता है, और अब कूपर का रोबोट भी उसके संपर्क में आ जाता है और वो भी इस जगह को देख सकता है। उसका रोबोट बताता है कि फिफ्थ डायमेंशन के लोगों ने ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए ये टेसरेक्ट बनाया है और इस टेसरेक्ट में वो समय में आगे पीछे जाकर किसी भी पहलू को देख सकता है। वो इस टेसरेक्ट के जरिए अपने ही घर में बनी लाइब्रेरी में पहुंच जाता है, जो उसकी बेटी मर्फ के कमरे में होती है, जहां उसे मर्फ दिखती है जो अभी बहुत छोटी है, और कूपर किताबें गिराकर उसे अपनी मौजूदगी का एहसास करवाना चाहता है। पर मर्फ समझती है ये कोई घोस्ट है। आपको याद होगा बचपन में मर्फ कूपर को बोलती थी कि मेरे कमरे में घोस्ट है जो किताबें गिराता है, और एक बार वो अपने पिता को ये भी बोलती है कि मुझे लगता है कि वो भूत आप ही हैं। और सच में यही होता है, कूपर ही होता है जो उसके कमरे में किताबें गिराता था, और वो ऐसा सिर्फ टेसरेक्ट के जरिए कर पाता है जिसकी मदद से वो पास में जा सकता है, पर वो यहाँ फंसा हुआ होता है, वो बात नहीं कर सकता। इसलिए कूपर मर्फ से कम्युनिकेट करने के लिए ग्रेविटी का इस्तेमाल करता है, क्योंकि ग्रेविटी ही एक ऐसी चीज है जो हर डायमेंशन में होती है, और धूल से जो मर्फ के कमरे में बाइनरी कोड्स की लाइंस बनी होती है वो भी ग्रेविटी की मदद से कूपर ने बनाई होती है। कूपर ही मर्फ को ग्रेविटी की मदद से अपने आप को जाने से रोकने का मैसेज देता है, जिसे वो अपनी नोटबुक में नोट कर लेती है स्टे लिखकर। लेकिन सारी कोशिशों के बाद भी कूपर ये नहीं बता पाता कि वो किसी टेसरेक्ट में फंसा हुआ है, और वही है जिसने ग्रेविटी की मदद से मैसेजेस भेजे हैं। तभी कूपर का रोबोट उसे बताता है कि उसे ब्लैक होल का सारा डेटा मिल गया है, जिसकी मदद से वो प्रोफेसर ब्रैंड की ग्रेविटी की अधूरी इक्वेशन को पूरा कर सकते हैं और पृथ्वी के लोगों को बचा सकते हैं। यहां पर कूपर सारी गेम समझ जाता है। वो अपने रोबोट को बोलता है, फिफ्थ डायमेंशन के लोगों ने मुझे नहीं चुना बल्कि मर्फ को चुना है। रोबोट बोलता है, किस लिए?
कूपर बोलता है दुनिया को बचाने के लिए, और इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। अब आप टेसरेक्ट को इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर समय में आगे और पीछे देखा जा सकता है, और इसे फिफ्थ डायमेंशन के लोगों ने बनाया, यानी कि एडवांस लोगों ने बनाया है। और इसे क्यों बनाया है? ताकि वो इंसानों को बचा सके, क्योंकि पृथ्वी अब खत्म हो रही है और जो एडवांस लोग हैं उन्हें पता है, और वो कूपर के जरिए सारी इंफॉर्मेशन मर्फ तक पहुंचाना चाहते हैं, और इसीलिए उन लोगों ने इस टेसरेक्ट को क्रिएट किया है ताकि यहां से कूपर सारी इंफॉर्मेशन मर्फ को दे दे और मर्फ पूरी दुनिया को बचा ले। इस हिस्से को आप एक बार फिर से समझ लें। फिफ्थ डायमेंशन के जो लोग होते हैं वो समय में आगे पीछे कहीं भी जा सकते हैं और कभी भी जा सकते हैं, और फिफ्थ डायमेंशन के लोगों ने ये टेसरेक्ट बनाया है जहां पर अभी कूपर है, इसीलिए ये समय में आगे पीछे कहीं भी जा सकता है, और इस समय में पीछे जाकर अपने ही घर की लाइब्रेरी देखता है और जहां पर उसे मर्फ दिखती है। अब सवाल ये उठता है कि इस टेसरेक्ट को मर्फ के रूम के पास ही क्यों बनाया जाता है? क्योंकि फिफ्थ डायमेंशन के लोग जानते हैं कि मर्फ नासा में साइंटिस्ट है और वो कूपर के थ्रू ब्लैक होल का सारा डेटा मर्फ को देना चाहते हैं ताकि वो ग्रेविटी की इक्वेशन को सुलझा ले और इस पूरी दुनिया को जो खत्म होने वाली है उसे बचा ले। अब समस्या ये है कि डेटा तो है, पर कूपर उसे अपनी बेटी मर्फ तक पहुंचाए कैसे? कूपर अपने रोबोट से सारा डेटा मोर्स कोड के रूप में ले लेता है और उसे ग्रेविटी की मदद से बुक सेल पर जो घड़ी रखी होती है, जो कूपर ने अपनी बेटी मर्फ को इस मिशन पर आने से पहले दी होती है, उस घड़ी की सुई में ट्रांसफर कर देता है। मोर्स कोड टेक्स्ट मैसेजेस भेजने का एक ऐसा तरीका है, एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप क्लिक से, लाइट से या ऑन ऑफ टोन से अपने मैसेज को भेज सकते हैं, और जो लोग इस शैली को जानते हैं और वो उसे डिकोड करके समझ लेते हैं। अब जब मर्फ अपने पिता की घड़ी लेने आती है जो कि अब साइंटिस्ट है, तो वो देखती है कि उसकी घड़ी की सुई अजीब तरह से रिएक्ट कर रही होती है, और क्योंकि वो साइंटिस्ट है तो उसे मोर्स कोड के बारे में पता होता है, और वो ये समझ जाती है कि उसके पिता ही उसे मोर्स कोड के जरिए डेटा भेज रहे हैं, और वो इस डेटा को समझ कर ग्रेविटी की इक्वेशन को सॉल्व कर लेती है। तभी जिस टेसरेक्ट में कूपर और उसका रोबोट होते हैं वो गायब होना शुरू हो जाता है और उन दोनों को इससे बाहर फेंक दिया जाता है। दरअसल फिफ्थ डायमेंशन के लोग कूपर के जरिए ब्लैक होल की सारी इंफॉर्मेशन पृथ्वी पर पहुंचाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस टेसरेक्ट को बनाया होता है। अब कूपर बाहर आ जाते हैं और उन्हें दूसरे एस्ट्रोनॉट्स ढूंढ लेते हैं। जब कूपर की आंख खुलती है तो वो एक स्पेस स्टेशन पर होते हैं। अब कूपर ने कुछ समय उस टेसरेक्ट में बिताया जो ब्लैक होल के लगभग अंदर ही होता है, तो वहां पर बिताया हुआ कुछ समय पृथ्वी पर कई सालों के बराबर होता है। कूपर की आंख खुलने के बाद जब वो स्पेस स्टेशन को देखते हैं तो वो देखते हैं उसका नाम कूपर स्टेशन होता है, पर ये उनके नाम पर नहीं बल्कि उनकी बेटी मर्फ कूपर के नाम पर होता है। जब कूपर अपनी बेटी से मिलते हैं तो वो देखते हैं कि बहुत बूढ़ी हो चुकी है और कूपर की उम्र लगभग 3 साल ही बड़ी होती है, पर अगर वो पृथ्वी पर होते तो आज उनकी उम्र 125 साल की होती। कूपर बोलता है कि मैं ही तुम्हारा भूत था। उसकी बेटी बोलती है कि मैं जानती हूँ। मर्फ बोलती है कि किसी भी माँ बाप को अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अब मर्फ बहुत बूढ़ी हो चुकी है और वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। वो बोलती है कि तुम जाओ, यहाँ पर मेरे लिए मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं। कूपर बोलता है कि कहाँ? वो बोलती है कि एमिली ब्रांड के पास। और अंत में ये दिखाते हैं कि एमिली उस ग्रह पर अकेली होती है और वो अपना हेलमेट निकाल देती है। इसका मतलब ये है कि वहां का वातावरण इंसानों के लिए पर्याप्त है, और एमिली भी कूपर की तरह जवान होती है, और कूपर अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में अपने रोबोट के साथ एमिली के ग्रह की तरफ निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।